आप उसका अगर सही जवाब देंगे तो ड्रॉ के द्वारा आपको एक प्राइज दिया जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, आशा मेहता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ मसाला पूरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे किसी सफ़र में ले जाइए या घर पे बनाइए, ये सबको बहुत पसंद आएगी। लेकिन मसाला पूरी कई तरीके से बनती है, आज आप मेरे तरीके से बना के देखिए। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए देखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए देखिए। तो मसाला पूरी बनाने के लिए देखिए, मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, जो नॉर्मल हम घर में आटा खाते हैं। और मैंने 1/2 कप बेसन लिया है और 1/2 कप ही मैंने सूजी ली है। इससे काफ़ी टेस्टी और करारी बनती है। और मैंने 3 आलू को ऐसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये कच्चे आलू हैं। और मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को काटा है और 2 हरी मिर्च ली हैं। हम पहले आलू को ग्रेट करेंगे, इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाएंगे और फिर हम उससे आटा गूंथेंगे, तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आइए मैं आपको पीस के फिर मैं दिखाती हूँ। तो पूरी का आटा लगाने के लिए हम एक बड़ी सी परात लेंगे और उसमें हम ये गेहूं का आटा, मैंने 2 कप लिया है, ये डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1/2 कप बेसन डालेंगे और 1/2 कप ही मैंने सूजी ली है, वो डालेंगे। और इसमें हम 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी डालेंगे ताकि थोड़ा सा कलर अच्छा आए। 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर या चाट मसाला, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप डाल लीजिए। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे। ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं जिनको, वो डालेंगे हम 1 चम्मच भरकर, से कलर बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने अजवाइन ली है, अजवाइन 1/2 टीस्पून के करीब, हम इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने जीरा लिया है और 1 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम नींबू डालेंगे। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मैंने जो ये आलू का पेस्ट बनाया है, हम इसको इसमें डालेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम इसी में ही आटा हमारा घुट जाए, क्योंकि सूजी इस पूरी का आटा थोड़ा सा टाइट होता है। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम 1-2 चम्मच पानी डालेंगे, क्योंकि आलू में काफ़ी मॉइस्चर होता है, प्याज में भी मॉइस्चर होता है। तो देखते हैं हमें कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी में आटा गूँथ के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, पूरियों का आटा मैंने गूँथ लिया है और अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल लगाएंगे और इसको अच्छे से मसल कर चिकना करेंगे। इसको हम रेस्ट के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ताकि जो हमारी सूजी है इसमें फूल जाए। और इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी और फिर मैं आगे आपको दिखाऊँगी। तो देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और आटा भी हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसको एक बार मसल कर फिर से चिकना कर लेते हैं। आप थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा लीजिए। हमारी सूजी जो है अच्छे से फूल चुकी है और आटा हमारा अच्छा टाइट हो चुका है। ये देखिए, टाइट आटे की पूरी काफ़ी अच्छी बनती हैं। अब हम इसमें एक बड़ी सी लोई तोड़ेंगे। आप चाहे तो सूखा आटा लगा लीजिए या इसको ऑयल से भी ग्रीस कर लीजिए। ये मैंने बड़ी सी पूड़ी बनानी है, मैं इसलिए इस पर बना रही हूँ। अब हम इसको एक ग्लास की हेल्प से, जिसके कि तेज किनारे हों उसकी हेल्प से, आप थोड़ा सा बड़ा ही लीजिए, नहीं तो पूरियाँ बिल्कुल छोटी छोटी बनेंगी। और इसको आप थोड़ा सा दबाकर, ये देखिए, आइए मैं अब आपको फ्राई करूँ। मैंने ऑयल को गर्म करना रख दिया है, ये देखिए, ये
ये आप ध्यान रखिए कि हमारी पूरी के लिए ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी हमारी पूरी फूली फूली बनेगी। आप इसको थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि हमारी पूरी फूल जाए। आप चाहें तो इसको एक एक करके भी बना सकते हैं, जैसे आप हम नॉर्मल पूरियाँ बनाते हैं वो भी अच्छी बनेंगी। और आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपसे बीच में एक सवाल पूछूंगी, क्वेश्चन पूछूंगी जो कि इसी वीडियो से रिलेटेड होगा कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है और कितना यूज़ किया है। और आप उसका अगर सही जवाब देंगे और आप मुझे बताएंगे कि आप कौन से सिटी से देख रहे हैं, तो लास्ट में एक ड्रॉ निकाला जाएगा और ड्रॉ के द्वारा आपको एक प्राइज दिया जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखते रहिए। देखिए पूरी हमारी कितनी अच्छी फूल रही है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह। और ये खाने में भी यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी होती हैं। आप इसको ऐसे ही चाय के साथ या किसी भी अचार के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ चना की सब्जी और रायता बनाया है, तो आप भी उसे ज़रूर एंजॉय कीजिए। आप ज़रूर ट्राई कीजिए मसाला पूरी को, बहुत ही टेस्टी लगेगी। मैं माता अन्नपूर्णा को भोग लगा रही हूँ, क्योंकि माता अन्नपूर्णा ही हमारे अन्न के भंडारे भरपूर रखती है। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके भी माता भंडारे भरपूर रखे, माता सबके भंडारे भरपूर रखे, क्योंकि अन्न यह तो जीवन है, सब कुछ है। तो मैंने ये टेस्टी सा माता जी के लिए प्रसाद बना के इनको भोग लगवाया। आइए मैं अब आपको सर्व करती हूँ। तो हमारी टेस्टी सी मसाला पूरी बनकर तैयार है, साथ में मैंने चने की सब्जी बनाई है और साथ में रायता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैंने इसमें उबले हुए आलू यूज़ किए हैं मसाला पूरी बनाने के लिए या कच्चा आलू यूज़ किया है? आप कौन से सिटी से देख रहे हैं कमेंट में सिटी का नाम भी ज़रूर बताइए और मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। मैं आपके क्वेश्चन को जिसका भी सही होगा उसका एक लकी ड्रा द्वारा उनके घर हम कुरियर से पहुँचाएँगे उसका प्राइस। तो आप ज़रूर देखते रहिए और जुड़े रहिए आशा मेहता की रसोई के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर बनाइए। थैंक यू।